इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड रिसर्च की एक ऐसी मेथड बताऊंगी जिससे आप अपने ब्लॉग के लिए बहुत सारे कीवर्ड को फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और अपने ब्लॉग से पैसे कमाना चाहते हैं तो जो आपके अंदर मेन स्किल होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिसर्च की। जितनी ज्यादा स्ट्रांग आपकी रिसर्च होगी उतनी ज्यादा आप अपने ब्लॉगिंग में सक्सेस होंगे। ब्लॉगिंग में सक्सेस होने के लिए आपके पास होने चाहिए कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने ब्लॉग को भी उन कीवर्ड्स पे रैंक करा सकते हैं। कीवर्ड्स में ही पैसा छुपा होता है। कभी कभी एक कीवर्ड आपको इतना सारा पैसा दे देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरी की पूरी पावर होती है कीवर्ड्स की। तो आप अगर ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी कीवर्ड रिसर्च स्किल्स को पॉलिश करना होगा। तो आज मैं आपको एक मेथड बताने वाली हूँ जिस मेथड से आप अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च मेथड फाइंड आउट की हैं जो एक एक करके मैं आपको अपने चैनल के थ्रू बताने वाली हूँ। अगर आप जेन्युइन ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाती हूँ। तो आज हम कीवर्ड रिसर्च मेथड सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक मेथड बताऊंगी जिस मेथड को अगर आप अप्लाई करेंगे, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने ब्लॉग के लिए 60-70% तो कीवर्ड फाइंड कर लेंगे और 100% भी कीवर्ड फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाते हैं रेडीमेड, है ना। तो सपोज तो 2024 में अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगा कि आप एक पर्टिकुलर निश पे ब्लॉग बनाएं, क्योंकि एक पर्टिकुलर निश पे ब्लॉग बनाने से आप बहुत जल्दी उस ब्लॉग में सक्सेस होते हैं। निश क्या होती है और अदर इन्फॉर्मेशन ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ब्लॉगिंग सीखने के लिए आप यहाँ पर अदर वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड रिसर्च बताने वाली हूँ। तो सपोज एक ब्लॉग है जो लोन और क्रेडिट कार्ड पे है। ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना लोन एंड क्रेडिट कार्ड पर अपना ब्लॉग बनाते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक कॉमन निश से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करना बताऊंगी। तो जो भी आपकी निश है उस निश का आपको कोई भी एक कीवर्ड ले लेना है, जैसे कि लोन। यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ लोन कैसे ले। मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जैसे कि लोन कैसे ले सकते हैं मोबाइल से, इन हिंदी, ये सारी चीजें आ गई, आधार कार्ड से, बैंक से। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सिंपली लोन कैसे ले। ठीक है, लोन कैसे ले पे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे बैंकिंग से साइट आ गई और कुछ अदर साइट भी आ गई जो इस तरह के कीवर्ड को कवर करती है। आपको क्या करना है, आपकी जो निश है उस निश के जो टॉप 10 ब्लॉग हैं जो रैंक करते हैं ज्यादातर उन कीवर्ड्स पे, या आपकी निश से रिलेटेड आपका जो मेन बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है उनकी आपको लिस्ट बना लेनी है। मतलब अगर आपका फाइनेंस का ब्लॉग है तो फाइनेंस में टॉप ब्लॉगर कौन से हैं, मतलब आपकी निश में जो टॉप कॉम्पिटिटर हैं वो कौन से हैं, वो आपको सर्च करके ऐसे टॉप 10 कॉम्पिटिटर की लिस्ट बना लेनी है। मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ उसे ध्यान से समझिए। आपको अपने कॉम्पिटिटर की लिस्ट बनानी है, फिर आपको क्या करना है, सपोज जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी एक ब्लॉग ले लेती हूँ, जैसे कि ये ग्रो है। ये ग्रो जो ये वाला ब्लॉग आपको बहुत सारे फाइनेंस के कीवर्ड पर रैंक करता हुआ देखेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ये ब्लॉग ले लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो डोमेन है हम इसे कॉपी करेंगे। आपको इस डोमेन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे सेमरश में। सेमरश में आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना डोमेन ओवरव्यू, आपको जाना है डोमेन ओवरव्यू पे और इस डोमेन को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको सर्च करना है। अब देखेंगे इस डोमेन का जो रिजल्ट है वो हम आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करके बताऊंगी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ब्लॉगर इंडियन ब्लॉगर है तो मैं इसी से रिलेटेड बता देती हूँ। यहाँ आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अथॉरिटी स्कोर आ गया और ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक आ गया, और ये पेड सर्च ट्रैफिक है। तो आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक पे चले जाएंगे। यहाँ पे 32.2 मिलियन का सर्च ट्रैफिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे। अब देखेंगे ये बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हैं जिस पर ये ब्लॉग जो है वो रैंक हो रहा है और ट्रैफिक ले रहा है। अब देखेंगे कि जैसे SIP कैलकुलेटर पे 1.8 मिलियन का ट्रैफिक है ना, और देखिए PPF कैलकुलेटर पे 3 लाख का ट्रैफिक है। अब आपको जैसे कि आपका ब्लॉग जो है वो फाइनेंस पे है, ठीक है, फाइनेंस या लोन पे है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर बाय कीवर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड लिख देना है लोन। जैसे आपको लोन से रिलेटेड अगर कीवर्ड चाहिए तो हम पहले यहाँ पर लोन करके सर्च करते हैं। वैसे बहुत सारी मेथड हम एक एक करके चीजें बताते हैं। अब देखेंगे कि होम लोन, EMI कैलकुलेटर, कार लोन, ये कैसे हैं, ये टफ कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब आपको क्या फाइंड करने हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब लॉन्ग टेल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एडवांस फिल्टर दिख रहा है, यहाँ पर आ जाइए, इंक्लूड कीवर्ड कंटेनिंग में आप यहाँ कीवर्ड पे आप करेंगे वर्ड लिमिट, है ना।
आप यहाँ पर वर्ड काउंट सिलेक्ट करिए, वर्ड काउंट के बाद यहाँ पर आप ग्रेटर देन सिलेक्ट करिए, और हम लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए मोर देन 5 वर्ड से रखते हैं। तो यहाँ हमने 5 सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स आते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए। विच बैंक इज बेस्ट फॉर पर्सनल लोन, विच बैंक इज बेस्ट फॉर पर्सनल लोन, है ना, और 10 लाख पर्सनल लोन EMI SBI। आप देखेंगे कि इसका जो KD है ये भी कम हो गया है। अब क्या करेंगे आप, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप KD में भी फिल्टर कर लीजिए। हम थोड़े से इजी में जाएंगे, क्योंकि जब भी आप अपना ब्लॉग शुरू करें तो आप एकदम से टफ कीवर्ड पे मत लिखिए। आप सबसे पहले लोएस्ट से स्टार्ट करिए, मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर से शुरू करिए। सबसे कम केडी वाले, सबसे कम केडी वाले कीवर्ड पे लिखिए, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे करके आपको अपने ब्लॉग को ग्रो करना है। तो यहाँ पर हम वापस फिल्टर करेंगे और हम देखेंगे सबसे कम केडी वाले कौन से कीवर्ड है लॉन्ग टेल जो लोन पे है। अब देखेंगे सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लोन इंटरेस्ट रेट, है ना, केरला का ये मिल गया। यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिलने शुरू हो गए। तो इस तरह से आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल गए। अब क्या करना है, जैसे कि यूको बैंक से लोन कैसे ले, है ना। अब आप इसको कॉपी करिए। अब इसको आप क्या करिए कि यहाँ पर थोड़ा सा सर्च करिए गूगल में क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे कि 8 दिन पहले ही उन्होंने लिखा है, है ना। ये पीपल ऑल्सो आस्क से भी आप ले सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल ही नया ब्लॉग है तो आपको इस तरह के कीवर्ड पर लिखना चाहिए। ये वो कीवर्ड होते हैं जो यूजर सर्च कर रहे होते हैं, इसलिए गूगल आपको खुद बताता है कि पीपल ऑल्सो आस्क, मतलब लोग ये इस तरह के कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, है ना। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह के कीवर्ड आपको मिल गया। अब यहाँ पर आप डबल, मतलब सिर्फ क्लिक करिए तो आपको ये ऑल लॉन्ग टेल हो जाएगा। यूको बैंक बिजनेस लोन, मुद्रा लोन, यूको बैंक होम लोन, तो बिजनेस लोन से रिलेटेड आप सर्च कर लीजिए। तो देखेंगे कि आपका जो मतलब कंपटीशन है वो कम हो रहा है। यूको बैंक से लोन कैसे लें, ये एक कीवर्ड मिल गया आपको। आप इस कीवर्ड को कॉपी करिए, पेस्ट करिए और यहाँ पर आप डबल कोट करिए। ऐसे करके भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अब देखेंगे 252 रिजल्ट है। अच्छा आर्टिकल लिखा जाए ना तो आप रैंक हो जाएंगे। फेसबुक वगैरह रैंक हो रहा है अगर, तो आपके चांसेस होते हैं रैंक होने के, है ना। फिर बैंक ही रैंक हो रहा है, फिर देखिए फेसबुक रैंक हो रहा है। तो इस तरह से अगर ये फेसबुक वगैरह रैंक हो रहे हैं, क्वेरा रैंक हो रहा है, यूट्यूब रैंक हो रहा है, तो आपके चांसेस होते हैं आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक होने के। यूट्यूब का ऐसा है कि वो इंटेंट पे डिपेंड करता है कि उस कीवर्ड से इंसान वीडियो देखना चाहता है कि पढ़ना चाहता है, तो वो आपको समझना होगा। तो यहाँ पर तो ये, चलिए ये मैंने बताया। आप ऐसे बहुत सारे डोमेन फाइंड करिए जो आपकी निश में काम कर रहे हैं, और उस डोमेन में जाके, यहाँ डोमेन ओवरव्यू में आपको सर्च करना है और उनके ऑर्गेनिक कीवर्ड में जाना है। ऑर्गेनिक कीवर्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ से अपने कीवर्ड को भी सर्च कर सकते हैं, या अगर इस कीवर्ड को सर्च ना करें तो इन आपको कुछ एडिशनल कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर सर्च नहीं करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको और भी अलग अलग कीवर्ड्स मिल रहे हैं। देखिए ये 0 डिफिकल्टी वाले कीवर्ड, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप बोलते हैं फाइनेंस में कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर आपको 0 डिफिकल्टी में भी कीवर्ड मिल रहे हैं और इसमें सर्च वॉल्यूम भी है। अब देखेंगे कि ATM अनलॉक करने के लिए एप्लीकेशन, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे कीवर्ड मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको फिल्टर करके कीवर्ड्स निकालने हैं। मे बी शायद इतनी मेहनत करके आपको सिर्फ 2 ही कीवर्ड मिले, 3 कीवर्ड मिले, 4 कीवर्ड मिले, लेकिन डेली बेसिस पे रिसर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपके ब्लॉग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। इस तरह से भी आप अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये मैंने लाइव दिखाया है, इसीलिए मैं आपको सिंपल कीवर्ड बता रही हूँ। जब मैं बैठ के फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आ जाते हैं। मेथड सेम होती है, मैंने रैंडमली किसी भी ब्लॉग को सर्च किया और आपके सामने उसका डेटा यहाँ पर शो किया। लेकिन आप क्या करेंगे, अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए। जो भी आपका ब्लॉग है, जिस निश पर आपका ब्लॉग है, उस निश के आप टॉप 10 ऐसी साइट निकालिए जिसमें बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम आता है। उस डोमेन को आप सेमरश में डोमेन ओवरव्यू में सर्च करिए और उनके ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे जाइए और वहां पर आप कीवर्ड को अच्छे से रिसर्च करिए। आप अलग अलग फिल्टर का यूज करिए। यहाँ पर मैंने लॉन्ग टेल लगाया, आप लॉन्ग टेल मत लगाइए, शॉर्ट टेल में भी देखिए, और फिर वहां उस कीवर्ड आइडिया से उसको लॉन्ग टेल में कन्वर्ट करिए और उस तरह की कीवर्ड पर आप लिखिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप देखेंगे कि कुछ टाइम में किसी ना किसी कीवर्ड पे जब आपके ब्लॉग रैंकिंग होने लगेंगे, आपके पूरे के पूरे ब्लॉग को वो बूस्ट करने लगेंगे। क्योंकि जब आप
बहुत सारे कीवर्ड पर रैंक होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉग रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। और आपको कंसिस्टेंट काम करना है, ऐसा नहीं कि आप आज का ब्लॉग लिख रहे हैं फिर 5 दिन बाद लिख रहे हैं। हो सके तो डेली बेसिस पे एक ब्लॉग तो कम से कम लिखिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं उतना लिखिए, लेकिन आप ब्लॉग की क्वालिटी कम मत करिए। आपको यूजर फ्रेंडली लिखना है, क्वालिटी ब्लॉग लिखना है, चाहे आप दिन में एक लिखें लेकिन आपको क्वालिटी आर्टिकल लिखने हैं। इस तरह से आप काम करेंगे तो आप भी अपने ब्लॉगिंग में सक्सेस हो पाएंगे, और ये एक जेन्युइन तरीका है ब्लॉगिंग का। आप पर्टिकुलर डेली बेसिस पे कम से कम 2 घंटे कीवर्ड रिसर्च करिए, तो आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई ना एक अच्छा कीवर्ड मिल जाएगा, उस कीवर्ड पे आप अपना पोस्ट लिखिए। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने ब्लॉग में ग्रो करेंगे। थैंक यू।